जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर दोस्तों आप सुविधा कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों कई राज्यों में सुविधा कर्मचारियों का आपका वेतन में बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही आपका पिछला बकाया वेतन भी आपका जल्द ही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा नियमित ग्रहण साथ ही कोरोना भत्ता को लेकर दोस्तों कई बड़ी खबरें आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में सभी राज्यों की बड़ी खबरें देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार दोस्तों देश भर की जो भी सुविधा कर्मचारी संबंधी न्यूज होती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कौन से राज्य में सुविधा कर्मचारी के तौर पर कार्य करते हैं, हाल फिलहाल में आपको कितना मानदेय दिया जा रहा है, और दोस्तों आपकी क्या मांगे हैं, क्या आपकी परेशानी दोस्तों कमेंट करके जरूर जरूर बताएं, क्योंकि लगातार दोस्तों जो भी आपके मांगे होती है हम उठाते रहते हैं, साथ ही सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों देख लेते हैं सभी राज्यों की बड़ी खबर। अगर दोस्तों आप बिहार के सुविधा कर्मचारी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। बिहार में सुविधा कर्मचारी को मिलेगी पूरी सैलरी, सरकार ने दिए आदेश। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों लगातार है कई राज्यों से शिकायत आ रही थी कि आपका सभी जो सुविधा कर्मचारी हैं उनको टाइम पर आपका मानदेय वेतन नहीं मिल रहा है। तो बिहार से आपकी एक अच्छी खबर आ चुकी है। बिहार शिक्षा विभाग में नौकरी करने वाले सुविधा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन लोगों को लॉकडाउन का वेतन नहीं काटा जाएगा, साथ ही सरकार उन्हें पूरी सैलरी देने वाली। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद आपके डीपीओ का भुगतान के संबंध में निर्देश दे दिए हैं। बहुत ही जल्द इन लोगों को आपको पैसा है आपके अकाउंट में डायरेक्टली मिलने वाला है। बिहार शिक्षा आपके परियोजना परिषद के निदेशक संजय कुमार ने जानकारी दी कि दोस्तों जो भी आपके तमाम सुविधा कर्मचारी हैं उनको आपका सैलरी है उनके अकाउंट में है, जल्दी भेज दी जाएगी। या दोस्तों जिन सुविधा कर्मचारी की आपकी सैलरी है, डर था कि आपकी लॉकडाउन में कटने वाली है, तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, आपकी डायरेक्टली आपके अकाउंट में सैलरी आने वाली है। अगली दोस्तों खबर देख लेते हैं, BSNL सुविधा कर्मचारी की हड़ताल से कामकाज ठप। जाए दोस्तों कई सुविधा कर्मचारी हैं जो लगातार पिछले कुछ सालों से आपकी परेशानी झेल रहे हैं। 14 मार्च से मानदेय नहीं मिलने के कारण BSNL सुविधा कर्मचारी की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से क्षेत्र में कामकाज का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही सुविधा कर्मचारियों का कहना है कि मानदेय नहीं मिलने से उनके परिवार के साथ आपका भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दोस्तों 14 महीने बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग आपका 1.5 साल हो चुका है यहां दोस्तों मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों इस लॉकडाउन के दौर में ऐसे बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही है। अगर दोस्तों 14 महीने से आपको वेतन नहीं मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपकी दोस्तों मांग है वो सरकार तक पहुंचाएं। अगले दोस्तों खबर देख लेते हैं, सुविधा नर्सिंग कर्मचारियों का ने जताया रोष। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए नर्सिंग स्टाफ की अस्थायी नियुक्ति करने पर आपके एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ने रोष व्यक्त किया। साथ ही संगठन ने स्वास्थ्य कर्मचारी को स्थायी नियुक्ति देने की मांग उठाई है। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा केवल 3 से 11 महीने के लिए आपके कर्मचारी को नियुक्ति की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार आम जनता का या आपके परीक्षित बेरोजगारों को चिंता नहीं है, केवल उनको ये फायदा देना चाहती है। यानी दोस्तों अगर ये बात करें तो 3 से 11 महीने के लिए आपकी नियुक्ति दी जाती है। यानी दोस्तों इसे सिद्ध हो जाता है कि आपका एक बड़ा सा गैप है आपको बीच में डाल देंगे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में आपको फिर से वापस निकाल लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कहीं ठीक नहीं है। दोस्तों सभी राज्यों में आपके सुविधा कर्मचारियों की कमी चल रही है, यानी स्पेशली आपके जो भी नर्सिंग कर्मचारी हैं उनकी कमी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ आपको जो भी सुविधा कर्मचारी हैं उनको स्थायी नियुक्ति है वो देनी चाहिए। अगले दोस्तों खबर आ रही है एमपी से। एमपी में इंदौर कोरोना वायरस सुविधा कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी कल मनाएंगे काला दिवस, सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जी दोस्तों कई राज्यों से आपकी हैं जो भी कोरोना वायरस हैं उनकी लेकर खबरें आ रही है, कई को वेतन नहीं मिल रहा है, कई को दोस्तों निकाला जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत है, आपके कोरोना काल में वरुण की भूमिका निभाने वाले सुविधा कर्मचारी सरकार के खासे नाराज है। प्रदेश भर के 19,000 सुविधा कर्मचारी ने फैसला लिया है कि शुक्रवार को काला दिन मनाएंगे। साथ ही आपका इंदौर में दोस्तों जो भी सुविधा कर्मचारी कार्य करते हैं उनका कहना है कि उनको पिछले कुछ दिनों से आपका है सैलरी नहीं मिला। दोस्तों 19,000 सुविधा कर्मचारी बहुत होते हैं, मायने रखते हैं, दोस्तों पूरे इंदौर को संभालते हैं, परंतु दोस्तों उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही। इसको लेकर है दोस्तों सुविधा कर्मचारी काला मास्क साथ ही काला कपड़ा साथ ही काला चश्मा लगाकर है वो आपका प्रदर्शन करने वाले। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई, पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।